हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं एंजाइम के दूसरे पार्ट को लेकर के आया हूँ। आज इस एंजाइम में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम कैसा होता है, यानी कि एंजाइम की संरचना कैसी होती है। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ चेंजेस बाय एंजाइम, दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन ऑफ एंजाइम। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा फीचर ऑफ एंजाइम। ठीक है, इन तीन चीजों को मैं आपको आज के इस क्लास में पढ़ाने वाला हूं और अच्छे से आपको हर बात मैं समझाने की कोशिश करूंगा। बने रहिए हमारे साथ अंत तक और समझिए एंजाइम क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी संरचना क्या होती है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को, एंजाइम पार्ट टू। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एंजाइम की स्ट्रक्चर क्या होती है। देखिए, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें पता है, हमने लास्ट क्लास में ही बताया था कि जो एंजाइम होता है भाई, वो प्रोटीन से ही बना होता है। ऑलमोस्ट जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, बट कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो प्रोटीन से न बनकर के न्यूक्लिक एसिड से बनते हैं। मतलब कि आपका जो राइबोजाइम नाम का एंजाइम होता है वो प्रोटीन का नहीं होता है, बल्कि आरएनए नाम के न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। बात समझ में आया? उसके अलावा जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। बात समझ में आई? उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि किस प्रकार के प्रोटीन से इसका स्ट्रक्चर बनता है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, इन सभी चीजों को हम समझेंगे इधर पीछे बोर्ड पर। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो अपना हेडिंग डाल देते हैं, हम पढ़ेंगे आज क्या, एंजाइम। ठीक, एंजाइम पढ़ेंगे। क्या कौन सा पार्ट है ये? पार्ट दो है एंजाइम का, पार्ट दो है। सबसे पहले हम समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, यानी कि एंजाइम की संरचना, एंजाइम की संरचना। बात समझ में आई? देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हमको ये पता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए के पास वो सारी सूचनाएं होती है जो फर्स्ट डिग्री एंजाइम का निर्माण कर सके। यानी कि डीएनए के पास क्या होता है, वो सारी सूचनाएं होती है, वो सारे इंफॉर्मेशन होते हैं जो डीएनए प्रथम डिग्री या प्रथम कोटि के आरएनए की संरचना बनाता है, एमिनो एसिड की एक लंबी श्रृंखला के द्वारा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो प्रोटीन की प्रथम कोटि की संरचना होती है, फर्स्ट डिग्री स्ट्रक्चर जो होती है वो फोल्डेड हो जाती है, कुंडलित हो जाती है, जिस वजह से सेकेंड डिग्री और फर्दर सेकेंड डिग्री कुंडलित हो जाए, वाइल्ड हो जाए, तो थर्ड डिग्री का स्ट्रक्चर बनता है। अब अगर हम बात करते हैं जब थर्ड डिग्री का स्ट्रक्चर बनता है तो ढेर सारे पॉकेट्स बनते हैं, क्रेविसेस बनते हैं, यानी कि दरारें बन जाती है प्रोटीन के सरफेस पर। तो वो जो सरफेस होता है वो एंजाइम के लिए काम करता है। यानी कि बात करते हैं जो पॉकेट होता है, ढेर सारे पॉकेट बन गए, ढेर सारे पॉकेट्स या क्रेविसेस में से कोई एक जो होता है वो एक्टिव साइट होता है, और जो एक्टिव साइट होता है उसको हम बॉन्डिंग साइट भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं इस चीज को जो हमने बोला उसको इधर बोर्ड पर समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। हमें क्या पता है, जो डीएनए होता है, डीएनए के पास क्या होता है, कोड होता है। डीएनए के पास क्या होता है, कोड होता है, किसके लिए, फर्स्ट डिग्री स्ट्रक्चर के लिए। किसके स्ट्रक्चर, प्रोटीन के। डीएनए के पास क्या होता है, कोड होता है फर्स्ट डिग्री प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए। अब ये फर्स्ट डिग्री प्रोटीन स्ट्रक्चर तो बन गया, इसके एक टर्मिनल को हम एन टर्मिनल कहेंगे और दूसरे टर्मिनल को क्या कहेंगे, हम सी टर्मिनल कहेंगे। ये बन गया। अब अगर हम बात करते हैं ये जो फर्स्ट डिग्री का स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है, यानी कि मुड़ जाता है। मुड़ने के बाद क्या करता है, सेकेंड डिग्री स्ट्रक्चर बना लेता है। इस प्रकार से सेकेंड डिग्री स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना लेगा ना। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं ये जो सेकेंड डिग्री का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यहां पर लिख दूं मैं सेकेंड डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के द्वितीय कोटि की संरचना होगी। अब ये द्वितीय कोटि प्रोटीन की जो संरचना होती है ये वापस से मुड़ जाती है। ठीक है, क्या होती है, वापस से फोल्ड हो जाती है। जब ये वापस से फोल्ड होती है ना बेटा,
तब उस समय क्या होते हैं, ढेर सारे पॉकेट्स बनते हैं, ढेर सारे गड्ढे बनते हैं, क्रेविशेस बनते हैं, क्लेफ्स बनते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि वापस से फोल्डेड हो जाए, ये वापस से फोल्ड हो गया इस प्रकार से। जब ये वापस से फोल्ड हो गए तो ये बन कैसा गया, 3 डिग्री स्ट्रक्चर बन गया। इसका प्रोटीन का 3 डिग्री स्ट्रक्चर प्रोटीन हो गया। अब अगर हम बात करते हैं इस 3 डिग्री स्ट्रक्चर प्रोटीन की, तो यहां पर देखोगे ढेर सारे छोटे छोटे दरारें दिखाई दे रही, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर ढेर सारी छोटी छोटे दरारें दिखाई दे रही। तो ये जो दरारे हैं बेटा, इन दरारों को हम क्या करते हैं, पॉकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉकेट्स कहते हैं, पॉकेट्स, क्लेफ्स। क्या कहते हैं, पॉकेट्स, क्लेफ्ट, ठीक है, क्रेविसेस। या सिंपल भाषा में कह ले हम दरार कहते हैं, ठीक है, दरार कहते हैं, गड्ढा कहते हैं, ये बन जाता है। अब अगर हम बात करते हैं, ढेर सारे बने हुए हैं दरार, यहां पर भी बना हुआ है, यहां पर भी बना हुआ है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी बना हुआ है। तो इतनी सारी जो दरारें बनी हुई है, ठीक है, अलग अलग प्रकार की दरारें बन जाती हैं एंजाइम के सरफेस पर। अब ये क्या हो गया, एंजाइम हो गया, एंजाइम के सरफेस पर अलग अलग प्रकार की दरारें बन जाती है। अब ये अलग अलग प्रकार की जो दरारें हैं उनमें से कोई एक जो होता है वो क्या होता है, एक्ट एज एक्टिव साइट, यानी कि इनमें से कोई एक सक्रिय स्थल का काम करता है। कोई भी एक जो क्रेविसिस होता है, चाहे यहां पर चाहे यहां पर, वो सक्रिय स्थल का काम करता है। और वो जो आपका सक्रिय स्थल होता है जहां पर रिएक्टेंट यानी कि सबस्ट्रेट बाइंड होता है, उसको हम क्या करते हैं, सक्रिय स्थल कहते हैं। सपोज दैट हम बात करते हैं यहां पर आपका आर आ गया, बाइंडिंग साइट आर आ गया, या फिर यहां पर बाइंडिंग साइट आर आ गया, या फिर यहां पर बाइंडिंग साइट आर आ गया। तो सभी जगहों पर अगर बाइंडिंग साइट आर है तो सभी जगह एक्टिव साइट का काम नहीं करेंगी। आर का मतलब होता है बाइंडिंग साइट, समझ में आ, यानी कि यहां पर कोई नया चीज आकर के जुड़ जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं ये बाइंडिंग साइट हो गया। अब अगर हम दूसरी पॉइंट को अगर हम लिखना चाहें तो क्या कहेंगे कि डिफरेंट टाइप या डिफरेंट पॉकेट ऑन सरफेस ऑफ एंजाइम, ठीक है, अलग अलग प्रकार के पॉकेट होते हैं एंजाइम के सरफेस पर। एनी वन पॉकेट एक्ट एज एक्टिव साइट, इसी चीज को लिखे हम यहां पर। क्या है, ढेर सारे पॉकेट्स बन गए हैं इसके ऊपर, तो हम कहेंगे डिफरेंट टाइप, डिफरेंट टाइप्स पॉकेट्स आर फॉर्म ऑन एंजाइम सरफेस, एंजाइम सरफेस। एनी वन डिफरेंट टाइप, कई प्रकार के पॉकेट तो बने हैं जरूर, लेकिन इसमें से कोई एक, एनी वन पॉकेट, पॉकेट एक्ट एज एक्टिव साइट। कोई एक पॉकेट क्या करता है, एक्टिव साइट का काम करता है। अब ये एक्टिव साइट क्या है भाई, एक्टिव साइट की बात कर लेते हैं। एक्टिव साइट को हम हिंदी में कहते हैं सक्रिय स्थल, ठीक है। एक्टिव साइट का मतलब होता है जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड होते हैं, वेयर सबस्ट्रेट बाइंड, जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड होते हैं उसको क्या कहते हैं हम, एक्टिव साइट कहते हैं। देखो हम हिंदी में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे हम, एंजाइम की सतह पर, एंजाइम की सतह पर ढेर सारे गड्ढे बन जाते हैं जो सक्रिय स्थल का कार्य करते हैं। ये
इन सारे गड्ढे बन जाते हैं, क्या करते हैं जो सक्रिय स्थल का कार्य करते हैं। बात समझ में आई, ये एंजाइम की स्ट्रक्चर है ना। अब अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चेंज बाय एंजाइम, यानी कि एंजाइम के द्वारा कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं, या फिर सिंपल भाषा में कह ले जो आपकी बुक में हेडिंग है वो है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया एंजाइम के द्वारा। समझ में आया? तो हमको पता है कि जब कोई भी रिएक्शन होगा तो वहां पर बदलाव तो होगा ही, कोई भी अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं तो वहां पर चेंजेस होगा। तो वो चेंजेस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं उनकी बात करते हैं। क्या एंजाइम एक ही चेंज कर पाता है, क्या एंजाइम दो दो चेंज एक साथ करता है, इस बात को हम समझते हैं। तो फटाफट से पहले आप इस पॉइंट को नोट करिए, types of changes by enzyme who are chemical reaction। ठीक है, एंजाइम के द्वारा परिवर्तन, एंजाइम के द्वारा परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, एंजाइम के द्वारा परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया को हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं चेंजेस क्या होता है, परिवर्तन क्या होता है, आपने क्लास टेंथ में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में चेंजेस क्या होता है, व्हाट इज द चेंजेस। चेंजेस का मतलब होता है किसी चीज से एक नए चीज का बन जाना, किसी वस्तु से एक नए आकार का निर्माण हो जाना, वो चेंजेस कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं ये मार्कर है, इस मार्कर को हम काटते हैं तो इसकी फिजिकल चेंजेस हो गई, इसकी लेंथ, इसकी लंबाई छोटी हो गई। ये बोर्ड है, इस बोर्ड को हम ऐसे बीच से काटते तो इसमें फिजिकल चेंजेस हो गए। दूसरी बात, अगर हम इस मार्कर को जला दें तो यहां पर भी चेंजेस हो गया, ये मार्कर क्या था सॉलिड में था, अब क्या चला जाएगा पाउडर में चला जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं चेंजेस क्या होता है, व्हाट इज द चेंजेस। जैसे अगर हम बात करते हैं चेंजेस आपके दो प्रकार के होते हैं, चेंजेस मतलब परिवर्तन, चेंजेस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंजेस जिसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। दूसरा होता है आपका केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस जिसको हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब फिजिकल चेंजेस का मतलब क्या होगा, हमने आपको एग्जांपल बता दिया भाई, ये मार्कर है, इसकी लेंथ कुछ भी है जो भी है, अगर इसको हम बीच से काट देंगे तो इसके लेंथ क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। सपोज चैप्टर ने इसको तोड़ दिया, दो भाग में तोड़ दिया, फिजिकल चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ फिजिकल चेंजेस ना, इसको हम और तोड़ देते हैं और छोटा कर देते हैं ना, ऐसे और छोटा कर दिए, तीन पार्ट में तोड़ गया, फिजिकल चेंजेस हुआ, हुआ ना फिजिकल चेंजेस। इसी प्रकार से होता है, यानी कि अगर हम बात करते हैं वस्तु रहे वही लेकिन आकार में परिवर्तन हो जाए तो उसको हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। सपोज दैट आपके घर में लोटा है, आप लोटे को ईटा से फोड़ डालिए, अब उसको फोड़ डालिए, पिचकार डालिए, फाड़ डालिए, कहलाएगा तो लोटा ही, यानी कि उसका जो केमिकल नेचर है वो नहीं चेंज हो रहा है, बट जो फिजिकल नेचर है वो चेंज हो जा रहा है। आप अपने घर के थरिया को पीट पीट करके फाड़ डालिए, कहलाएगा तो थरिया ही, प्लेट को फाड़ डालिए, प्लेट ही कहलाएगा। ये है फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस का मतलब क्या होता है कि चेंज इन शेप एंड फेज बट नॉट चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि उसकी शेप में परिवर्तन हो जाए, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए
लेकिन उसके रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन ना हो उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस। बात समझ में आया? यानी कि हम बात करते हैं सिंपल सी भाषा में तो हम कहते हैं चेंज इन फेज, सॉरी चेंज इन शेप एंड फेज। यानी कि बात करते हैं आकार और अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, आकार और अवस्था में परिवर्तन, आकार और अवस्था में परिवर्तन। जैसे हम बात करते हैं बर्फ है, बर्फ को खुला छोड़ दो, सॉलिड से लिक्विड में आ जाएगा, फेज चेंज हो गया। है तो पानी ही, फॉर्मूला H2O ही है, चाहे वो बर्फ में हो जाए चाहे वो पानी में हो जाए। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं केमिकल चेंजेस की, व्हाट इज द केमिकल चेंजेस? केमिकल चेंजेस में जब केमिकल बॉन्ड बनते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं, वहां पर केमिकल चेंजेस होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो यहां पर क्या होगा, न्यू बॉन्ड फॉर्म, यानी कि नए बंध का निर्माण होता है, नए बंध का निर्माण। सिंपल सी एक एग्जांपल बताते हैं मैं आपको, 1 2 3 4, ये एक सीधी चैन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, इसका नाम क्या है, 1 2 3 4, ब्यूटेनोइक एसिड है ना। अब अगर हम बात करते हैं यहां से COOH को हम हटा दें और ला करके यहां पर लगा दें, क्या हो जाएगा, इसका नेम बदल जाएगा ना भाई, ब्यूटेनोइक एसिड से नेम चेंज हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे होता है केमिकल चेंजेस। चलिए आगे हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं एंजाइम। एंजाइम में क्या होता है, कैसे चेंजेस होता है? हमने बताया था ना स्ट्रक्चर में आपको, एंजाइम में ढेर सारे पॉकेट्स बनते हैं, वहां से एक पॉकेट्स को हम लेकर के आ जाते हैं बाहर, और फिर यहां पर समझते हैं कि पॉकेट्स जो होता है वो कैसे काम करता है, कैसे चेंजेस होते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक पॉकेट ये है एंजाइम के, ये पॉकेट्स हैं, और इस पॉकेट में ये वाला जो स्थान है, ये जो खाली स्थान है, इसको हम कहते हैं पॉकेट। ये एंजाइम का टुकड़ा हमने लिया है और यहां पर ये जो है ये क्या है आपका, पॉकेट है, जिसको हम क्राइसिस कहते हैं या क्लेफ्ट कहते हैं ना, या फिर इसको हम दरार कहते हैं। और ये जो पॉकेट्स है वो काम कैसा करेगा, ये पॉकेट काम करेगा एक्टिव साइट का, यानी कि सक्रिय स्थल का काम करता है। अब आगे हम ले चलते हैं, जैसे हमने क्या कहा था कि जो एक्टिव साइट्स होते हैं वहां पर सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं, यानी कि जो आपके सबस्ट्रेट होते हैं वो जुड़ते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम आगे चलते हैं, ये पॉकेट तो हो गया, अब पॉकेट्स के अंदर क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को डालते हैं ताकि केमिकल रिएक्शन हो सके, फिजिकल चेंजेस हो सके। ठीक है, चलिए तो ये हमारा एंजाइम, ये एंजाइम हो गया। ठीक है, और एक सबस्ट्रेट हमारे पास है, कोई ठीक है, नीचे क्या है हमारा, एंजाइम है और ये क्या है, सबस्ट्रेट कहिए या रिएक्टेंट कहिए, अभिकारक जिसको कहते हैं वो है। अब यहां पर डाला सबस्ट्रेट को, हमने बाइंड करा दिया एंजाइम के एक्टिव साइट से, तो अब यहां पर क्या होगा, चेंजेस होंगे, यहां पर रिएक्शंस होंगे, प्रोडक्ट में चेंजेस होंगे। जैसे हमने आपको पिछले क्लास में क्या बताया था, कोई आपका ए है और ए एंजाइम की प्रेजेंस में प्रोडक्ट बी बना रहा है, कोई आपका एक्स है एंजाइम की प्रेजेंस में प्रोडक्ट वाई बना रहा है, तो इस प्रकार से यहां पर चेंजेस होगा। तो ये क्या है, ये आपका सबस्ट्रेट है, एंजाइम से बाइंड हुआ, एंजाइम के बाद बाइंड होने के बाद ये रिएक्शंस करेंगे, रिएक्शंस करने के बाद इनके बॉन्ड में चेंज होगा और इनके शेप में चेंज होगा, यानी कि हम कह लें इनके फिजिकल नेचर में और केमिकल नेचर में
दोनों में चेंजेस होंगे सबस्ट्रेट के, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहां पर देखो अगले अगले में क्या हो जाएगा, अगले में वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगेंगे, ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। ये आपका जो एंजाइम है जैसा है वैसा ही रहेगा सदियों तक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके शेप में, जो आपका सबस्ट्रेट बाइंड हुआ था इसके शेप में अगर हम बात करते हैं तो शेप क्या हुआ, चेंज हो गया। शेप जब चेंज हो गया तो ये एंजाइम को छोड़ देगा, एंजाइम को जब ये छोड़ देगा तो क्या होगा, किसी दूसरे एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट का काम करेगा। ये जो प्रोडक्ट बना हुआ ये क्या है, प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बना हुआ है। अब ये प्रोडक्ट का शेप चेंज हो गया, उसके बाद इसका केमिकल नेचर भी चेंज हो गया, तो ये क्या करेगा, यहां से निकल जाएगा। यहां से जब ये निकल जाएगा तो ये इस प्रकार से यहां पर बाहर दिखाई देगा। बात समझ में आया, ये है आपका प्रोडक्ट, ठीक। अब इससे ये समझ में आया कि जो आपका एंजाइम होता है उसके द्वारा बोथ केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस होते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं एंजाइम्स के द्वारा। तो हम लिख सकते हैं कि एंजाइम्स कैन परफॉर्म बोथ केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस, यानी कि एंजाइम दोनों भौतिक एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन को दर्शाता है या दर्शा सकता है। देखें हम एंजाइम्स कैन परफॉर्म बोथ केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस, यानी कि एंजाइम दोनों भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को दर्शाता है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को दर्शाता है। ये हो गया। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, आपके बुक में जो केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है कि एक घंटे में जो कार्बोनिक एसिड बनने की दर है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड इन एन हावर, बिना किसी एंजाइम के कार्बोनिक एसिड का निर्माण होता है 200 मॉलिक्यूल्स का एक घंटे में। और अगर हम बात करते हैं एंजाइम डालने के बाद जो कार्बोनिक एसिड बनने की स्पीड होती है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा कि उस एक घंटे में जहां पर 200 कार्बोनिक एसिड बन रहे थे और अब बनेंगे 600,000 कार्बोनिक एसिड मात्र एक घंटे में। समझ नहीं आया, किसके प्रेजेंस में, एंजाइम के प्रेजेंस में। ये होती है एंजाइम की पावर। समझ में आया, चलिए आगे हम बात करते हैं फीचर ऑफ एंजाइम, एंजाइम के गुण क्या होते हैं, कैसे एंजाइम होते हैं उनकी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसको नोट करेंगे फिर हम चलते हैं फीचर ऑफ एंजाइम को पढ़ते हैं। एंजाइम के गुण, एंजाइम के गुण की बात करते हैं। पहली बात करते हैं इसका नेचर कैसा होता है, इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है। दूसरा बात करेंगे टर्न ओवर नंबर कितना होता है। तीसरी बात करेंगे इसकी स्पेसिफिटी क्या होती है, इसकी विशेषता क्या होती है। दूसरी बात करेंगे इसकी सेलेक्टिविटी की, और इसके बाद बात करेंगे मेटाबॉलिक एक्टिविटी की क्या होती है, उपापचयी क्रिया क्या होती है, उसकी बात करते हैं। नंबर एक शुरू करते हैं और समझते हैं इसके नेचर ऑफ एंजाइम को, नेचर ऑफ एंजाइम यानी कि एंजाइम की प्रवृत्ति, एंजाइम की प्रवृत्ति कैसी होती है।
एंजाइम की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो भाई सिंपल सी बात है कि एंजाइम किसका बना होता है? हु मेक एंजाइम, एंजाइम कौन बनाता है? आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा, इसका आंसर मैंने आपको पहले दे दिया है। अगर हम बात करते हैं जो एंजाइम्स होते हैं वो मेन मुख्य रूप से प्रोटीन्स होते हैं। पार्टिकुलर शेप इन 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फॉर्म एक्टिव साइट एंड कॉल्ड एंजाइम। ठीक है, यानी कि बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, मेन प्रोटीन होते हैं। मुख्य रूप से क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। और प्रोटीन में भी कौन सा होता है, 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जिसके अंदर एक्टिव साइट पाए जाते हैं, एक्टिव साइट पाए जाते हैं, पॉकेट्स पाए जाते हैं, पॉकेट्स पाए जाते हैं। और वो पॉकेट्स क्या करते हैं, जहां पर रिएक्शन संपन्न होता है। कहां पर, यहां पर रिएक्शन अकर, जहां पर रिएक्शन यानी कि अभिक्रियाएं होती है वो होता है एंजाइम। यानी कि सिंपल सी भाषा में हम कह लें कि एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन, तृतीय कोटि की प्रोटीन, तृतीय कोटि की प्रोटीन जहां पर सक्रिय स्थल यानी कि दरार पाए जाए। और इस दरार के अंदर क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या हो, संपन्न हो, उसे हम कहते हैं एंजाइम। बात समझ में आई बेटा? चलो आगे बात करते हैं टर्नओवर इन नंबर। टर्नओवर नंबर का मतलब क्या होता है, कितने संख्या में कितने समय में, ठीक है, कितने संख्या में कितने समय में नए प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है, वो टर्नओवर इन नंबर कहलाता है। सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं टर्नओवर इन नंबर की। एक मछुआरा है और एक शहर का लड़का है, दोनों मछली मारने साथ में गए। तो अगर हम बात करते हैं जो ऑलरेडी मछुआरा है जिसका काम ही है मछली मारना और जिसका शौक है मछली मारना, दोनों में से कौन ज्यादा मछली मारेगा? जो मछुआरा है वो 1 घंटे में लगभग 10 से 12 किलो मछली मार सकता है, लेकिन जो आपका शौकिया है यानी कि शौक के नाते आया है मछली मारने, वो 1 घंटे में केवल 4 या 5 या 7 या फिर कर सकते हैं 15-20 मछली मार सकता है, उससे ज्यादा नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास वो कैपेसिटी नहीं है ना कि वो कर सके। ठीक है, लेकिन जिस जो अपने काम में एक्सपर्ट है वो तो कर सकता है ना, वो एक्सपर्ट है तो कर सकता है। सिंपल सी बात करते हैं, एक आप दो दोस्त हो, दोनों कंप्यूटर सीखने गए हो, तो आप 1 मिनट में 45 वर्ड टाइप कर रहे हो, लेकिन आपका जो दोस्त है वो 1 मिनट में मात्र 10 से 15 वर्ड टाइप कर रहा है। तो 1 मिनट समय तो सेम है, 1 मिनट, तो 1 मिनट में आप कितना कर सकते हो, 1 मिनट में आप कितना कर सकते हो, वही कहलाता है आपका टर्न ओवर इन नंबर या टर्न ओवर नंबर कहलाता है। बात समझ में आई? तो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन पर यूनिट टाइम, दिए गए समय में कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, ये टर्नओवर नंबर कहलाता है। एंजाइम्स हैव हाई टर्नओवर इन नंबर, यानी कि एंजाइम्स जो होता है ना भाई, उसके पास बहुत ज्यादा टर्नओवर की नंबर होती है। अभी हमने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि कार्बोनिक एसिड बिना किसी कैटालिस्ट, बिना किसी एंजाइम की उपस्थिति में 1 घंटे में केवल 200 मॉलिक्यूल्स बना पा रहा है, बट उसी में हमने क्या किया, आपका डाल दिया एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और कार्बोनिक एसिड बनने की जो स्पीड है वो कई लाख गुना बढ़ गई। जैसे कि अगर हम बात करें उसी सेम टाइम में कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में एंजाइम बनने की जो स्पीड है वो बढ़ करके 200 मॉलिक्यूल से 6 लाख मॉलिक्यूल प्रति घंटा हो गई। समझते हैं? आगे फटाफट से आप इसको नोट कीजिए, फिर बात करते हैं इसके टर्नओवर नंबर की।
टर्न ओवर नंबर। टर्न ओवर नंबर की बात करते हैं तो दिए गए समय में कितने उत्पाद बनते हैं, दिए गए समय में उत्पाद का बनना, दिए गए समय में उत्पाद का बनना, उत्पाद का बनना। एंजाइम्स के पास क्या होती है, बहुत अधिक टर्नओवर नंबर पाई जाती है। एंजाइम के पास बहुत अधिक तेजी से उत्पाद बनाने की क्षमता होती है, बनाने की क्षमता होती है। बात समझ में आई, यानी कि हम बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन पर यूनिट टाइम। एंजाइम्स हैव हाई टर्नओवर नंबर। ठीक है, ये जो बातें मैं बता रहा हूं आपके एनसीईआरटी में है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर के कार्बोनिक अम्ल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कार्बोनिक अम्ल बना रहे हैं, H2CO3 बना रहे हैं, कार्बोनिक अम्ल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, समय तो एक घंटा है, यहां पर क्या कहेंगे नो एंजाइम। पहले जैसे में क्या है, पहले उन्होंने क्या किया एंजाइम की टर्नओवर नंबर को चेक करने के लिए, साइंटिस्टों ने क्या किया, पहले इन्होंने कार्बोनिक एसिड को बनाया बिना किसी एंजाइम की उपस्थिति में, एक घंटे समय लगा। ठीक है, कितना मॉलिक्यूल्स बना, 200 मॉलिक्यूल इन वन आवर। ठीक है, तो उन्होंने देखा क्या कि बिना किसी एंजाइम के अगर हम कार्बोनिक एसिड बना रहे हैं तो एक घंटे में 200 अणुकेल बन पा रहे, 200 मॉलिक्यूल्स केवल बन पा रहे, क्यों ना हम एंजाइम डालें और फिर देखें क्या होता है, क्या चमत्कार आती है। तो उन्होंने क्या किया, वापस इसी रिएक्शन को कराया एंजाइम्स के प्रेजेंस में। ठीक है, वापस इसी रिएक्शन को उन्होंने कराया एंजाइम के प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड बनाने के लिए। जब उन्होंने एंजाइम लिया, कौन सा एंजाइम लिया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जब इन्होंने लिया तब देखा कि जो कार्बोनिक एसिड बनने की स्पीड है वो बढ़ गई, अचानक से उसकी स्पीड में बूस्टिंग आ गई, सुपर पावर आ गया और कार्बोनिक एसिड बनने की जो स्पीड है वो हो गई 600,000 मॉलिक्यूल इन वन आवर, एक घंटा में 600,000 मॉलिक्यूल्स बनना शुरू हो गए कार्बोनिक एसिड के। ये होती है एंजाइम की पावर, ये होती है कैटालिस्ट की पावर। एक सिंपल से एग्जांपल बात करते हैं, दो लोग आपस में झगड़ रहे हैं, तीसरा आया थोड़ा सा चढ़ाया एक पार्टी को और झगड़ा तेज हो गया, ये है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए टर्नओवर नंबर क्या होता है एंजाइम्स का। आप केवल इतना भी लिख देंगे तो भी आपका काम बन जाएगा कि भाई बिना एंजाइम की रिएक्शन हो रही है तो 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं एक घंटे में कार्बोनिक एसिड के, एंजाइम के प्रेजेंस में हो रही है तो 600,000 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं एक घंटे में कार्बोनिक एसिड के, आप इतना लिख देंगे। उसके बाद बात करते हैं स्पेसिफिसिटी की, यानी कि विशिष्ट क्या है एंजाइम की क्या विशिष्टता है या विशिष्टता की बात करते हैं। स्पेसिफिसिटी यानी कि विशिष्टता की बात करते, क्या विशिष्टता है एंजाइम की बात करते,
तो एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, यानी कि एंजाइम्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, विशिष्ट होते हैं। एंजाइम्स आर शेप स्पेसिफिक, विशिष्ट तो होते हैं ये बात पता हो गया, लेकिन क्या विशिष्टता होती है, किस प्रकार से ये विशिष्ट होते हैं, यानी कि इनके पास जो होती है वो आकार की विशिष्टता होती है, शेप स्पेसिफिक होते हैं। तो हम इसी चीज को लिखें, देखें यहां पर समझिए, जैसे ये कोई एंजाइम है, ये एंजाइम है, ठीक है, इसका शेप ऐसा है, तो कोई सबस्ट्रेट जो बाइंड करेगा वो इस शेप का होगा, तब तो बाइंड कर पाएगा। या फिर बात करते हैं, हमारे पास कोई एंजाइम है, एंजाइम है, ठीक है, इसका बाइंडिंग साइट ऐसा है, बाइंडिंग साइट ऐसा है, तो अगर हम आपको एग्जांपल देते हैं, ठीक है, यहां पर अब सोचिए कि कौन सा सबस्ट्रेट, ये दोनों क्या है, सबस्ट्रेट है, ये दोनों क्या है, सबस्ट्रेट है, और ये दोनों क्या है, एंजाइम है। अब आप सोचिए कि क्या अगर हम इस सबस्ट्रेट को इस सबस्ट्रेट इस एंजाइम के साथ जोड़ना चाहें तो जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा ना, या फिर इस सबस्ट्रेट को इस एंजाइम के साथ जोड़ना चाहें, जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा ना। तो इसका मतलब ये होता है कि जो शेप होता है एंजाइम पर, जैसा शेप है उसी शेप का सबस्ट्रेट इसके साथ जुड़ सकता है। यानी कि अगर हम बात कर लें, तो ये जो इसका बाइंडिंग साइट है, ये जो इसका बाइंडिंग साइट है, एक्टिव साइट है, ये क्या है भाई, ये है इसके बाइंडिंग साइट, यानी कि एक्टिव साइट है, दोनों क्या है, एक्टिव साइट, या शेप स्टेरियो होते हैं एंजाइम्स, क्या होते हैं, शेप स्टेरियो होते हैं, ये क्या है, इसके बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट है, और ये क्या होते हैं, शेप स्टेरियो होते हैं भाई, अपने जैसा ही, अपने मशरब का ही हिलते हैं, ओनली पार्टिकुलर सबस्ट्रेट आप शेप कैन बाइंड, ठीक है, तो इस पार्टिकुलर शेप जो है इसका, इसके साथ बाइंड कर सकता है, और इसका जो पार्टिकुलर शेप है इसके साथ बाइंड कर सकता है, यानी कि स्पेसिफिसिटी क्या होती है, इसकी विशिष्टता क्या होती है, तो एंजाइम शेप स्पेसिफिक होते हैं, एंजाइम आर शेप स्पेसिफिक, एंजाइम्स क्या होते हैं, शेप स्पेसिफिक होते हैं, एंजाइम में आकार विशिष्टता पाई जाती है, आकार विशिष्टता पाए जाते हैं, क्या होते हैं, शेप स्टेरियो होते हैं। बात समझ में आया बेटा, अच्छे से, चलो तो आप फटाफट से इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं इसके सेलेक्टिविटी की, इसकी सेलेक्टिविटी क्या होती है, कैसे ये सेलेक्ट करेगा। देखिए अगर हम बात करते हैं, कोई एक चीज है, ठीक है, कोई भी एक है प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में अगर हम अलग अलग एंजाइम डालेंगे तो फिर से अलग अलग प्रोडक्ट बनकर के तैयार हो जाए। जैसे अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस रेस्पायरेशन के दौरान लास्ट प्रोडक्ट जो होता है वो बनाता है पाइरुविक एसिड, ठीक है, क्या बनाता है, पाइरुविक एसिड बनाता है या पाइरुवेट बनाता है, जिसमें तीन कार्बन होते हैं, क्या कार्बन होते हैं, तीन कार्बन होते हैं, और ग्लाइकोलिसिस की जो पूरी प्रोसेस है वो 10 स्टेप की है, 10 स्टेप में अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, अलग अलग चेंजेस होते हैं, तो नए प्रोडक्ट का निर्माण होता है। शुरू करते हैं सेलेक्टिविटी, यानी कि सेलेक्टिविटी क्या होता है इसका, सेलेक्टिविटी की बात करते हैं, जैसे ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज पाइरुविक एसिड बनता है, तो हिंदी और इंग्लिश नाम एक ही है, तो आप ज्यादा परेशान मत होइए, एक लिख रहा हूं, काम बन जाएगा दोनों का। ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के द्वारा क्या हुआ, पाइरुविक एसिड में आ गया, पाइरुविट में आ गया, ठीक है, क्या हुआ यहां पर, ग्लाइकोलिसिस हुआ है, वो भी जान रखिए, ग्लाइकोलिसिस हुआ है, तो ग्लूकोज क्या हुआ, पाइरुविट में टूट गया, जब ये पाइरुविट में टूट गया तो तीन कार्बन की श्रृंखला होती है इसमें, सॉरी तीन कार्बन होते हैं इस पाइरुविट में, थ्री कार्बन होता है,
तीन कार्बन होता है, इतना याद रखिएगा। अब अगर हम बात करते हैं इसी पाइरूवेट को, हम मान लेते हैं कि अब ये हमारा क्या हो गया, सबस्ट्रेट हो गया, ये क्या हो गया, सबस्ट्रेट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया। अब अगर हम बात करते हैं इसको अलग अलग एंजाइम के साथ बाइंड कराते, अलग अलग एंजाइम के साथ इसको जोड़ते तो क्या होगा। अब ले चलते हैं इसको माइटोकांड्रिया के अंदर, अगर हम इसको ले चले माइटोकांड्रिया के अंदर, ठीक है, कहां पर ले चलते हैं, माइटोकांड्रिया में, माइटोकांड्रिया में ले चले एंजाइम्स को, क्या करते हैं माइटोकांड्रिया में ले चलते हैं इन माइटोकांड्रिया। जब माइटोकांड्रिया में ले जाएंगे तो यहां पर क्या होगा, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होगा, क्या होगा, माइटोकांड्रिया में एक एंजाइम प्रेजेंस होगा, एक एंजाइम प्रेजेंस होगा जिसका नाम होगा पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या है एंजाइम का नाम, पाइरूवेट, पाइरूवेट डी हाइड्रोजिनेज, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है माइटोकांड्रिया के अंदर। तो पाइरूवेट जो आपका सबस्ट्रेट है वो पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, एसिटल को एंजाइम, या एसिटल को एंजाइम ए बना लेगा, या एसिटल को ए हम कहते हैं जिसको दो कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ आपका पाइरूवेट हो गया। यहां पर देखिए पाइरूवेट किससे जुड़ा, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के साथ, और बन गया एसिटल, एसिटल को ए जो कि दो कार्बन होते हैं, एसिटल को ए बन गया जिसमें दो कार्बन होते हैं। ठीक है, ये हो गया माइटोकांड्रिया के अंदर। दूसरी बात अगर हम इसको ले चलते हैं साइटोप्लाज्म में, यानी कि कोशिका द्रव्य में ले चलते हैं तो क्या होगा, अगर हम बात करते हैं इसी चीज को हम साइटोप्लाज्म में ले चल रहे, इन साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में ले चले क्या होगा, जब हम इसको कोशिका द्रव्य में ले जाते हैं तो यहां पर एक एंजाइम होता है लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज, क्या होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, कहां पर साइटोप्लाज्म में क्या होता है, एक एंजाइम होता है लैक्टेट, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजिनेज एंजाइम, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, ये एंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, जितने को मैं सर्कल कर रहा हूं ये आपका एंजाइम है, नीचे तीर के बाद लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में जो आपका पाइरूवेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल के अंदर ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। बस समझ में आया, ये कहां हो गया, पहला तो माइटोकांड्रिया में, पाइरूवेट कहां कन्वर्ट हुआ, एसिटल को ए में चेंज हुआ, साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, लैक्टिक एसिड में हुआ। अब अगर हम बात करते हैं इस पाइरूवेट में पाइरूवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम डाल दें, पाइरूवेट में क्या कर दें, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम डाल दें। ठीक है, तो अब क्या होगा, एंजाइम क्या है, डी पाइरूवेट डी कार्बोक्सिलेज, पाइरूवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम अगर हम डाल दें। ठीक है, और भी ले चले एसिटल एनहाइड्रेज के पास, ठीक है, एसिटल एनहाइड्रेज के पास ले चले, एसिटल एनहाइड्रेज, ठीक है, एसिटल एनहाइड्रेज के पास ले चले, एसिटल एनहाइड्रेज में लेकर चले, या फिर बस एक मिनट उठना हो गया, एसिटल एनहाइड्रोजिनेज, एनहाइड्रोजिनेज एंजाइम के पास ले चले तो क्या होगा, ये भी एंजाइम है तो क्या होगा, ये जो आपका पाइरूवेट है ये दो एंजाइम की उपस्थिति में, पाइरूविक डिहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजिनेज सॉरी पाइरूविट डी कार्बोक्सिलेज और एसिटल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम दोनों मिलकर के इस पाइरूवेट को एथेनॉल में तोड़ देते हैं, किसमें तोड़ देते हैं, एथेनॉल में, एथेनॉल में।
ठीक है, एथेनॉल में तोड़ देते हैं। तो अभी हमने यहां पर क्या देखा कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पाइरुवेट में, और पाइरुवेट को हमने अलग अलग जगह पर ले जाकर के अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट को पा लिया। यानी कि बात करते हैं कि एक पाइरुवेट जो होता है वो कई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, यानी कि एंजाइम कैन सेलेक्ट वन प्रोडक्ट आउट ऑफ वेरियस पॉसिबिलिटी। यानी कि जो एंजाइम होता है किसी एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेगा और किसी एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता है और जितनी पॉसिबिलिटी होती है उतने ज्यादा प्रोडक्ट को वो बनाता है। भाई प्रोडक्ट तो एक ही है और इसको एंजाइम ने सिलेक्ट किया और पॉसिबल प्रोडक्ट जितने थे वो बन गए, यानी कि पाइरुवेट से तीन पॉसिबल प्रोडक्ट थे, तीन पॉसिबल प्रोडक्ट बन गए। ठीक है, तो इतनी बातों को आप फटाक से नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद बात करते हैं मेटाबॉलिक पथवे क्या होता है। ठीक है, मेटाबॉलिक पथवे की बात करते हैं। मेटाबॉलिक पथवे या उपापचयी प्रक्रिया क्या होती है उसकी बात करते हैं। देखिए, हमें पता है कि जो एंजाइम होता है वो अपने पार्टिकुलर शेप के सबस्ट्रेट को ही बाइंड करवाए, इतना तो पता है। एंजाइम क्या करता है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों एक साथ करता है, इतना भी पता है। तो अब इस मेटाबॉलिक पथवे में क्या होगा इसकी बात करते हैं। तो अभी हमने इसको देखा ना भाई, ग्लूकोज से पाइरुवेट एसिड बना, पाइरुवेट माइटोकांड्रिया में गया, ठीक है, कुछ बना, उसके बाद साइटोप्लाज्म में आया, कुछ बना, फिर वहां पर दो एंजाइम के प्रेजेंस में कुछ और बना। तो भाई प्रोडक्ट तो एक ही है, अलग अलग जगह पर जाकर के अलग अलग चीजें बना रहा है। बस उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, हमारे पास कोई एंजाइम ये है, ठीक है, ये एंजाइम है, अब ये एंजाइम है, इसके साथ एक सबस्ट्रेट जुड़ा इसी शेप का, ये सबस्ट्रेट जुड़ गया, ठीक है, ये क्या है सबस्ट्रेट, ये क्या है एंजाइम। यहां पर केमिकल रिएक्शन हुए, चेंजेस हुआ, ये प्रोडक्ट आ गया इस शेप में। जब इस शेप में आ गया तो ये क्या करेगा, सबस्ट्रेट अपने शेप के जैसे एंजाइम को ढूंढेगा, ठीक है, जब अपने शेप के जैसे एंजाइम को ढूंढेगा तो भाई नीचे उपस्थित है इसके भी शेप के जैसा एंजाइम, इसके शेप में जैसा एंजाइम है उपस्थित, ठीक है, ये क्या है एंजाइम एक है, ये क्या है एंजाइम दो है, और ये क्या है आपका पहले सबस्ट्रेट था, प्रोडक्ट बना, और प्रोडक्ट क्या कर रहा है सबस्ट्रेट के जैसा काम कर रहा है, प्रोडक्ट क्या कर रहा है सबस्ट्रेट के जैसा काम कर रहा है, इससे जुड़ा फिर से प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट का शेप कैसा हो गया, प्रोडक्ट का शेप हो गया ऐसा, ऐसा हो गया प्रोडक्ट का शेप। तो ये प्रोडक्ट ऐसा हो गया तो ये क्या करेगा सबस्ट्रेट के लायक काम करेगा, सबस्ट्रेट के जैसा काम करेगा तो दूसरे एंजाइम को ढूंढेगा। चलिए अब हम बात करते हैं, नीचे भी एंजाइम उपस्थित है इसका, ठीक है, ये एंजाइम उपस्थित है, ये एंजाइम तीसरा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहां से ये जुड़ा, इसके शेप में चेंजेस आ गए, नया प्रोडक्ट बन गया इस प्रकार से। तो जो नया प्रोडक्ट बना, जो नया वो कुछ इस प्रकार से था, इस प्रकार से था। तो इसी प्रकार से जो एक शेप बन रहा है प्रोडक्ट का, वो शेप काम करेगा सबस्ट्रेट की जैसे और नए एंजाइम की तलाश में जाएगा, उससे जुड़ेगा, फिर नए प्रोडक्ट को बनाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपका जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट यानी कि ये जो रिएक्टेंट है, अभिकारक है, वो क्या किया एंजाइम, पहले एंजाइम में क्या बनाया, एंजाइम वन में क्या बनाया प्रोडक्ट वन बनाया, प्रोडक्ट वन बनाया, ये प्रोडक्ट वन क्या किया फिर सबस्ट्रेट के साथ, सबस्ट्रेट के जैसा काम किया, एंजाइम के साथ बाइंड हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ एंजाइम के साथ बाइंड हुआ, ये क्या हुआ एंजाइम के साथ बाइंड हुआ, एंजाइम टू आया, एंजाइम टू आया, ये प्रोडक्ट टू बन गया,
फिर इसके बाद ये प्रोडक्ट क्यों क्या गया, सबस्ट्रेट के जैसा काम किया, एंजाइम 3 आया और एंजाइम 3 आया, ये प्रोडक्ट 3 बन गया। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, इसको बढ़ाते जाएंगे, एंजाइम देते जाएंगे, तो नए नए प्रकार की प्रक्रिया, नए नए प्रकार के प्रोडक्ट बनते जाएंगे। लिंक एंजाइम क्या करता है, यहां पर देखो काम क्या होता है। अब अगर बात करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है, तो लिंक एंजाइम चलता है। मतलब क्या हुआ, एक एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ा, एक एंजाइम से सबस्ट्रेट जुड़ा, प्रोडक्ट बना, फिर ये प्रोडक्ट दूसरे एंजाइम से जुड़ा, दूसरा एंजाइम दूसरा प्रोडक्ट, फिर तीसरे एंजाइम से जुड़ा, फिर चौथा प्रोडक्ट बना। इसी प्रकार से प्रोडक्ट का बनना चलता रहता है, इसको हम कहते हैं लिंक एंजाइम पथवे कहते हैं। मेटाबॉलिक पथवे जो होता है एंजाइम का, क्या होता है, लिंक एंजाइम पथवे होता है। यानी कि बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ वन एंजाइम एक्ट एज सबस्ट्रेट फॉर अदर एंजाइम। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहां पर क्या हो जाएगा मेटाबॉलिक पथवे में, मेटाबॉलिक पथवे में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ वन एंजाइम एक्ट एज सबस्ट्रेट फॉर अदर एंजाइम। एक एंजाइम का उत्पाद दूसरे एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट का कार्य करता है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको जितनी भी बातें मैंने बताया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए।